आसमान बरस रहा है, समंदर सड़क पर आ रहा है, सड़कें पानी में डूबी हैं। थोड़ा समुद्र का लहर मुंबई को तहस नहस कर देता है और रास्ते पे पानी भर जाता है, नाले में पानी भर जाता है। ऐसे भरे हुए पानी में छिपे हैं मौत के गड्ढे। इन गड्ढों में किसी की भी जा सकती है जान, कोई भी हो सकता है इनका शिकार। मॉनसून आते ही किलर मैनहोल ने ले ली एक मासूम की जान। आखिर कब तक किलर मैनहोल और नाले में गिरते रहेंगे मासूम? कब तक उजड़ेगी माताओं की गोद? कोई नाले खुले ना रहे, मेरा तो इतना बड़ा बच्चा चला गया ना, किसी और का बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। हादसों पर बीएमसी दे रही है बेतुके बयान। चोरी बंद हो जाएगी तब ये मेन होल जो है वो जहाँ पर हम लगाते वो निकाल कर चुरा कर ले जाने वाले की संख्या कम होगी और लोगों को राहत मिलेगी। कब तक होगी जानलेवा लापरवाही? मुंबई में मॉनसून की शुरुआत क्या हुई, मैनहोल और नाले जानलेवा हो गए हैं। रुक रुक कर बारिश होने से मैनहोल और नालों में पानी भरने लगा है, जिसकी वजह से मुंबई वासियों की जान का खतरा बढ़ गया है। सड़कों पर, सर्विस लाइन पर, यहां तक कि गली मोहल्लों में सैकड़ों मैनहोल, नालों पर ढक्कन और जालियां नहीं हैं जो बारिश के पानी भरने पर छिप जाते हैं और इनमें गिरने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बात गंभीर इसलिए है क्योंकि 13 जून को प्री मानसून की बारिश में एक बच्चे की नाले में गिरने से मौत हो गई। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी। 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। समंदर में 5-5 फीट ऊंची हाई टाइड उठ रही है। पानी सड़कों तक आ रहा है, लेकिन सावधान, इस चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें मुंबई वासी, क्योंकि मुंबई में खुले हैं मौत के मैनहोल और नाले जो मासूम की जान के दुश्मन बने हैं। मुंबई में एक हादसे में एक 6 साल के बच्चे रेहान की जान चली गई। यह हादसा कुछ इस तरह से था कि एक नाले के बगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे और नाले के बगल में एक बच्चे का पैर फिसलने के बाद वो बच्चा नाले में चला गया और ये रेहान की फोटो है। रेहान जो है अब इस दुनिया में नहीं है। और सबसे दुख वाली बात यह है कि जिस तरीके से बरसात होती है मुंबई में, बहुत तेज बरसात होती है लो लाइन इलाकों में, बहुत सारे ऐसे मेन होल्स हैं, बहुत सारे ऐसे नाले हैं जहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं किए जाते। यह है 6 साल का रेहान जो अब सिर्फ तस्वीरों में ही जिंदा है। शबेरात की शाम इसकी नाले में गिरने से मौत हो गई। हम लोग को 15 मिनट के बाद में जानकारी मिली है। हाँ, 15 मिनट के बाद में, जब हम लोग हमारे घर पे थे, प्लास्टिक डाल रहे थे घर के ऊपर, अच्छा। मैं और मेरा भाई, फिर मेरी भांजी ने आके जैसा बोली हम लोग दोनों भाई बहन भागे, मेरे बड़े लड़के को और एक उसके साथ में एक लड़का था, वो दोनों को नाले में से बाहर निकाले और मेरे रिहान को ढूंढे तक बहुत दूर भाग गया था। फिर बाद में हम लोग ने फायर ब्रिगेड वाले लोग को, पुलिस वाले लोग को फोन करके बुलाए उसको ढूंढने के लिए, अच्छा। तो फिर रात को 11:30 बजे मिलाई। 6 साल का रेहान अपने 11 साल के भाई सोहेल और 8-10 दोस्तों के साथ गोरेगांव ईस्ट में फिल्म सिटी रोड के संकल्प बिल्डिंग के नाले के पास खेल रहा था। 13 जून को तेज बारिश हो रही थी। खेलते खेलते रेहान, सोहेल और उनके एक दोस्त का हाथ छूट गया और तीनों नाले में गिर गए। नाला सिर्फ 2x2 फीट का था, उस पर कोई जाली या ढक्कन नहीं था। बारिश के कारण फिल्म सिटी के पहाड़ों का पानी नाले में आ गया। नाले का बहाव इतना तेज था कि तीनों बहते चले गए। लोगों ने किसी तरह सोहेल और उसके दोस्त को बचा लिया, लेकिन रेहान को नहीं बचाया जा सका। रेहान का शव 4 घंटे की मशक्कत के बाद मलाड में मिला। छूट के चले गया हाथ से। अच्छा, पानी के लगे। और आप भी अंदर चले गए थे? हाँ। तो फिर मैंने और डरम को पकड़ लिया था, तो फिर मैं बच गया था और फिर हाथ से छूट के चले गया। बहुत तेज बरसात हो रही थी, शबे बरात की रात वाले दिन ये घटना घटी है और ऊपर से जो पहाड़ का पानी है वो बहुत तेजी से इन नालों के अंदर आया और पूरा नाला जो है लबालब हो गया। ये जो पहाड़ है इस पे आईटी पार्क बना हुआ है और अलग अलग जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो बनी हुई हैं और इसी आईटी पार्क के पहाड़ से ये जो पानी है इन नालों के अंदर आया और जहाँ पर हम खड़े हैं इसके ठीक बगल में इसी जगह पर जो नाले का पानी है वो इतना ज़्यादा फ्लो में था कि ओवरफ्लोइंग होने के कारण रेहान का पैर जो है वो यहाँ पर ऐसे फिसल गया और रेहान का पैर फिसलने के बाद सोहेल का पैर भी फिसल गया और दोनों बच्चे इस नाले के अंदर जा गिरे।
रेहान की मौत के लिए परिवार बीएमसी को जिम्मेदार बता रहा है। उनका आरोप है कि खुले मैनहोल और नालों की वजह से ही उनके बेटे की जान गई। परिवार की मांग है कि बीएमसी तुरंत कार्रवाई करे और शहर में जितने भी इस तरह के खुले नाले हैं उन्हें ढका जाए। मैं तो यही बोलूंगी और कोई नाले खुले ना रहे, मेरा तो इतना बड़ा बच्चा चला गया ना, किसी और का बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, सब नाले में जाली वाली लग जाना चाहिए। अभी इतना कुछ करके मेरा बच्चा तो मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, 7 साल का था वो, इतना बड़ा होके मैंने उसको खो दिया सिर्फ पानी और नाले के वजह से, तो सब नाले में जाली लगा ताकि कोई भी बच्चा डूबे तो वो जाली के भरोसे वो रह सके। मेरा भाई लोग ने उसको रात से जो शाम के 4 बजे से उतरे थे गटर में ना, रात के 10:30 बजे तक के उसको ढूंढे, जब जाके मेरा बच्चा मुझे मिला। अगर कोई एक नाली में भी जाली रहता तो मेरा बच्चा जिंदा रहता था ना, इतना बड़ा बच्चा मैंने खो दिया। हर साल मानसून आने पर मैनहोल या नाले में गिरने से होने वाले हादसों को देखते हुए कांग्रेस ने बीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मैनहोल और नाले ढकने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। ये बहुत गंभीर बात है और बीएमसी हमेशा ऐसी लापरवाही करती है और ये जो बच्चे की जान चली गई है ये बहुत दुखद एक घटना है। रोड बीच में कहीं कहीं नाले खुल जाते हैं, बारिश आती है उसमें पानी भर जाता है, पानी की वजह से वो खड्डा दिखता नहीं है, लोग अंदर गिर जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स लेके हम केस्ट में 15 दिन में धरना देंगे अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो। ये पहली बार नहीं है जब मुंबई में मानसून आने पर नाले में गिरने से किसी बच्चे की मौत हुई हो। 2013 में कुरला में एक बच्चे की मौत हुई, 2012 में मानखुर्द में एक बच्चे की मौत हुई। रेहान के घर वालों का यही आरोप है कि बीएमसी ने जिस तरह से यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी बन रही है तो यहाँ पर एक सीमेंट का स्लैब डाला हुआ है नाले के ऊपर, ऐसा ही स्लैब अगर इस पूरे छोटे नाले के ऊपर डाल दिया जाए ऊपर से लेकर नीचे तक तो यहाँ पर जो बच्चे खेलते हैं, अगल बगल के स्लम के झोपड़ों के बच्चे खेलते हैं, उनकी जान बच सकती है। और ऐसे ही अगर स्लैब ना भी डाला जाए तो लोहे का अगर तार भी डाल दिया जाए तब भी ऐसे बच्चों की जान बच सकती है। हमने भी कई जगह इंडिया टीवी की टीम ने रियलिटी चेक किया है जहां पर नालों के ऊपर जो मेन होल्स होते हैं उनके ऊपर के ढक्कन गायब दिखे हैं और ये बीएमसी को इस बारे में तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। जिस दिन रेहान की मौत हुई उस दिन प्री मानसून की बारिश हो रही थी, जब प्री मानसून की बारिश में नाले में इतना पानी भर गया कि एक मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठा तो सोचिए मानसून की बारिश में खुले नाले और मैन होल होने से कितने हादसे होंगे। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं इंडिया टीवी संवाददाता सचिन चौधरी। सचिन, जल भराव से बचने के लिए जो मैनहोल्स हैं, नाले हैं, उनके ढक्कन कवर्स हटा दिए जाते हैं, लेकिन उससे जो एक और बड़ा खतरा पैदा हो जाता है उससे बीएमसी अवगत नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर क्या तैयारी फिर? देखिए, बीएमसी जो है हर बार नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करती है, नालों की रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, लेकिन इस बार जो है हर बार जो है नालों की सफाई तो कर लेती है लेकिन नालों के ऊपर जो सिक्योरिटी या सुरक्षा जो जाली है वो लगाना कहीं ना कहीं भूल जाती है। साथ ही साथ जो किलर मैन होल है या मौत के जो खड्डे हैं इनको भी इनके ऊपर भी ढक्कन लगाना भूल जाती है। अभी देखिए ये जो है बीएमसी मुख्यालय है, मुंबई सीएसटी बीएमसी मुख्यालय के नाक के सामने है, इसलिए इन ढक्कन यहाँ पर जो मैन होल है उनके ऊपर ये जो ढक्कन है ये ज़रूर यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर पूर्वी उपनगर की हम बात करें तो मानखुर, शिवाजीनगर, गोवंडी, कुरला, अगर हम पश्चिम उपनगर की बात करें तो बांद्रा, सांता क्रूज, सर्विस रोड, गोरेगांव जहाँ पर ये घटना घटी है, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी मैन होल जो है ये खुले होते हैं, उनके ऊपर ढक्कन नहीं है। जब इस बारे में हमने बीएमसी के मेयर से पूछा तो उनका ये कहना कि इन इलाकों में झुग्गी झोपड़े के लोग जो है ये ढक्कन जो है चोरी करके लेके जाते हैं, ये अगर चोरी करके लेके जाते हो तो बीएमसी के अधिकारियों को या जो उनके जो कर्मचारी है वार्ड ऑफिसर उनको वहाँ पर एक सुरक्षा के लिए ढक्कन लगाना चाहिए या कोई बोर्ड लगाना चाहिए कि यह इस जगह पर मैन होल नहीं है, क्योंकि मुंबई में जब पानी भरता है तो घुटनों घुटनों तक पानी भरता है और ऐसे में सामने रस्ते में अगर कोई खड्डा है या कोई मैन होल में के ऊपर ढक्कन नहीं तो वहाँ पर जाने चली जाती है। पिछली बार पूर्वी उपनगरों में ही 2 जाने चली गई थी, 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अस्पताल पहुँच गए थे जी। तो ये घटना जो है ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन बीएमसी हमेशा खोखले दावे करती है, हकीकत कुछ और ही होती है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन आपसे हमसे बात करने के लिए। मुंबई के मैनहोल और नाले खुले हैं, हादसे हो रहे हैं, जाने जा रही हैं, लेकिन मुंबई के मेयर के अजीबोगरीब बयान से लगता है कि उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो इस तरह के हादसों के लिए काफी हद तक मुंबई की जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक परिवार का चिराग बुझ गया, एक मां से उसका बेटा छिन गया, वही मुंबई के मेयर साहब ने क्या अजीबोगरीब बयान दिया, जरा सुनिए। बोलना चाहता हूं कि बीएमसी अपनी जिम्मेदारी टालती नहीं है, अगर गटर बनाया जाए और उसके ऊपर मैनहोल न लगाते हुए अगर किस तरह से घटना होती है तो उसके लिए बीएमसी के अधिकारी दोषी है।
लेकिन बार बार वहाँ पर झक्कन लगाने के बाद, मैनहोल के झक्कन वहाँ पर फिट करने के बाद काट कर ले जाते हैं बार बार, तो उस समय पुलिस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी होती है, शासन की भी जिम्मेदारी होती है कि कायदा सुव्यवस्था में कुछ कड़क प्रतिबंध करे, चोरों को पकड़े और इस तरह से घटना मुंबई शहर में न होने के लिए महानगर पालिका को सहकार्य करे। मेयर साहब चोरी का बहाना और पुलिस पर सवाल उठाकर हादसों से पल्ला झाड़ने की कोशिश में है, जबकि मुंबई पुलिस का कहना है कि वो जब भी खुले मैनहोल और नाले को देखती है तो बीएमसी को इसकी खबर कर देती है। ध्यान में आ गया भाई का मैनहोल का ढक्कन नहीं है और उसमें कोई तो बह सकता है कि वैसा कोई डेंजर है, तो हम उसको म्यूनसिपालिटी को बोल देते हैं कि वैसा ऐसा है और रिपेयर कर दो जो कुछ है उसका। पूरी मुंबई में 5,000 छोटी बड़ी सड़कें हैं जिनमें हजारों मैनहोल और नाले हैं जिनमें से सैकड़ों खुले हैं, खास करके लो लाइन एरिया जैसे कि हिंद माता, परेल, जुहू, अंधेरी, लालबाग, दादर, विक्रोली, घाटकोपर, कुरला, साकीनाका और मलाड जैसे कई जगहों पर मैनहोल और नालों पर ढक्कन नहीं है। बीएमसी की दलील है कि मैनहोल और नाले खुले होने की बड़ी वजह है चोरी। नालों और मैनहोल पर कई बार ढक्कन लगाने के बावजूद चोरी हो जाते हैं। ये ढक्कन लोहे के होते हैं जिन्हें चोरी करके कबाड़ में बेच दिया जाता है। जबकि मुंबई वासियों की माने तो मानसून के दौरान पानी निकासी और साफ सफाई करने के बाद बीएमसी के कर्मचारी मैनहोल या नालों पर ढक्कन नहीं लगाते, जिससे वो खुले रह जाते हैं और हादसों की वजह बनते हैं। संकल्प के इधर का रह जाए, इधर का सब ओपन ही पैक नहीं किया, बच्चे लोग उधर जाते जाते रहते। ये पहली बारिश नहीं, गए बारिश में भी ऊपर से आए थे, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है यहाँ पर। हाँ, ढक्कन रहना चाहिए और जाली रहना चाहिए कि बच्चे लोग का फिर ऐसा, बच्चे लोग को बच्चे थोड़ी सुनेंगे, बच्चे तो वहाँ ही चले जाएंगे ना। हाँ। बच्चे लोग को एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, फिर भी चले जाएंगे। आम जनता ही नहीं, कांग्रेस भी बीएमसी पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मैनहोल और नाले ढकने के लिए भारी भरकम बजट होने के बावजूद काम नहीं हो रहा है। ये बहुत गंभीर बात है और बीएमसी हमेशा ऐसी लापरवाही करती है और ये जो बच्चे की जान चली गई है ये बहुत दुखद एक घटना है कि हर जगह पे ढापा खुला रहता है, जो नाले हमेशा कचरा से भरे रहते हैं। लगभग 1,000 करोड़ रुपए का बजट है सिर्फ नाले का साफ सफाई के लिए 5 बरस में, और जो पॉटहोल भरने का, जो रास्ते का खड्डा भरने का जो बजट है 5 साल के लिए लगभग 300 करोड़ रुपया है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि बीएमसी इतनी लापरवाही होती है, बहुत भ्रष्टाचार बीएमसी में फैला हुआ है। मुंबई में मॉनसून आ गया है, अगर ऐसे में इसी तरह किलर मैनहोल और नाले खुले रहे तो कई लोगों की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बीएमसी बिना देर किए तुरंत कार्रवाई करे और खुले हुए नालों और मैनहोल को ढकने का काम शुरू करे। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई के मेयर का दावा है कि बीएमसी हर मैनहोल और नाले पर ढक्कन लगाती है, लोग बार बार उन्हें चुरा लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन मैनहोल और नालों का क्या जिनकी सफाई बीएमसी के कर्मचारी करते हैं, कूड़ा बाहर डालते हैं लेकिन उन पर ढक्कन लगाना भूल जाते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने कुछ ऐसे ही इलाकों में जाकर बीएमसी के दावों की जाँच की। मुंबई में मेनहोल के अंदर गिरने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना है। मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दे दी है और अगले 48 घंटों तक मुंबई में सबसे ज्यादा बरसात होने के अंदाजा भी मौसम विभाग ने जताया है। और यहाँ पर हम एक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के विले पार्ले में खड़े हैं और एक मेनहोल हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं। कचरा यहाँ पर निकाल के रखा गया है और कचरा निकाल के रखने के बाद इसका जो ढक्कन है वो यहाँ पर लगाया नहीं गया है। ये फुटपाथ के ऊपर का मेन होल है, ऐसे ही मेन होल सड़क पर भी होता है और हम देख सकते हैं कि इस मेन होल के अंदर जो है पानी अभी बहुत कम है, लेकिन जब हाईटाइड आता है समुंदर में और बरसात तेज होती है तो यहाँ पर पानी लबालब भर जाता है और ऐसे में जो बच्चे यहाँ पर सड़क पे खेलते हैं वो ऐसे मेन होल में गिर जाते हैं और हाईटाइड की वजह से ये मेन होल में जो भी व्यक्ति गिरेगा वो काफी दूर तक बह के चले जाता है और उसकी मौत निश्चित हो जाती है। और बहुत कम ऐसा हुआ है कि ऐसे मेन होल में गिरने के बाद किसी को बचाया जा सका है। 2012-2013 में भी करीब 4 से 5 बच्चों की मुंबई में ऐसे मेन होल में गिरने से मौत हुई है। आप बताएं, आप यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं, आप कितवीं कक्षा में पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण चौहान है, अभी मैंने 10th का एग्जाम दिया है। और ये जो मेन होल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अगल बगल में आप खेलते हैं, बरसात ज्यादा तेज होती है, कितना डर बना रहता है आप लोगों को? बहुत डर बना रहता है, कभी हम अभी इसमें दिखेगा नहीं बारिश की वजह से तो गिर भी सकते हैं इसमें, और एक बार गिर गए तो शायद हमें मालूम ना पड़े कहाँ निकले, बह के जा भी सकते हैं। बीएमसी को बंद करना चाहिए और ये जो मेन होल यहाँ पर खोल के रखा गया है ये एक बड़ी लापरवाही है बीएमसी की। ये पहली बार नहीं है, हर बार यही होता है, जब भी बारिश आती है लोग खोल के चले जाते हैं, किसी को कुछ फिक्र नहीं है। बहुत बार आदमी गिर चुके हैं यहाँ पे लेकिन आज तक कोई इसकी दखल नहीं लेता है।
और देखा जाए तो ज़्यादातर यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत कंप्लेंट किया, लेकिन इसकी कोई दखल नहीं लेता है, यह ऐसे ही रहता है। ये तो अब जिनका काम है वो भी कर नहीं पा रहे और जो पब्लिक एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं होता है। कितना खतरनाक है ये मेन होल, आप देख सकते हैं, अगर गिर जाए तो आदमी बचने की भी मुसीबत नहीं, ज्यादा बारिश रहेगी। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर की गहराई है तकरीबन ये 3 से 3.5 फुट है और हाई टाइड में यानी समुद्र का पानी जब शहर के अंदर आता है और ऐसे में अगर बरसात हो जाए तो निश्चित तौर पर इस मेन होल के अंदर इतना ज्यादा पानी भर जाता है कि अगर उस फोर्स में अगर कोई गिर गया तो उसे बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के लोग जब तक फायर ब्रिगेड या पुलिस कंट्रोल को फोन करें तब तक जो है वो काफी दूर तक बह के निकल जाता है और यहाँ सारा जो बहाव है वो वर्ली नाले की तरफ गटर में जाता है और वर्ली के समुद्र में सारा ये बहाव जाता है और इस वजह से बहुत मुश्किल होता है। अंदर सफोकेशन भी बहुत ज्यादा होता है, केमिकल सफोकेशन बहुत ज्यादा होता है गटर की वजह से, जो केमिकल हवाएं निकलती है उसकी वजह से। तो ऐसे मेन होल्स की, किलर मेन होल्स की जो संख्या है वो मुंबई में बहुत ज्यादा है।